बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ायदा, आपकी क्लास 3 की उर्दू की टीचर। आज हम आपकी बुक से रीडिंग करेंगे हाथी के बारे में। तो निकाल लीजिए बच्चों सफ़ा नंबर 41, पेज नंबर 41 पे आ जाएं, जहां से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों सबक का नाम है बच्चों का वो साथी, और ये सबक है हाथी के बारे में। हाथी तो आप सबने देखा होगा ना, बहुत बड़ा सा बहुत मोटा सा होता है, ब्राउन कलर का, कभी लाइट डार्क ग्रीन कलर का। ठीक है बच्चों, तो आ जाइए सफा नंबर 41 पे, आप लोग खोल लीजिए अपना पेज नंबर 41। देखिए क्या लिखा है रीडिंग में। रीडिंग में लिखा है हाथी के बारे में, लंबी सी नाक, पंखे जैसे बड़े बड़े कान, मोटी मोटी टांगे, खूब बड़ा सा जिस्म मगर छोटी सी दुम, बच्चों का वो साथी, नाम है जिसका हाथी। तो बच्चों ये हाथी के बारे में बताया है कि उसकी लंबी सी देखे नाक होती है और बड़े बड़े कान होते हैं, मोटी मोटी आँखें होती हैं, जो अक्सर चिड़ियाघर में आप लोगों को नज़र आता है, और कभी कभी ईद के मौके पर कहीं पार्क में किसी और जगह पे भी हाथी को लेकर आते हैं और बच्चे हाथी की सैर करते हैं। हाथी आमतौर पर ज़मीन के दो हिस्सों में पाए जाते हैं, एक अफ्रीका और दूसरा जनूबी एशिया। ज़मीन पर चलने फिरने वाले जानवरों में सबसे बड़े कद व कामत के जानवर हैं। इनकी ऊंचाई तकरीबन 13 फीट और वजन 7000 किलोग्राम के करीब होता है। आमतौर पर ये किसी तरह नदी, तालाब या झील के करीब रहना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए सफ़ा नंबर 42, पेज नंबर 42 पे। देखिए सफ़र नंबर 42, पेज नंबर 42 पे भी हाथी की तस्वीर बनी हुई है बड़ी सी, और हाथी के बारे में क्या लिखा है आइए हम पढ़ते हैं। जंगली जानवर इनका शिकार करने से डरते हैं, मगर शेर, चीते या लगड़ भग्गे मौका पाते ही नन्हे हाथियों को हड़प कर जाते हैं। इनके भारी और ताकतवर जिस्म की वजह से पुराने ज़माने में लोग इन्हें भारी सामान उठाने के लिए इस्तेमाल करते थे। हाथियों पर सवारी की जाती थी और इन्हें जंग में भी इस्तेमाल किया जाता था। आजकल ये सिर्फ चिड़ियाघर में दिखाई देते हैं। तो बच्चों आ जाइए सफ़ा नंबर 43 पे, पेज नंबर 43 पे। देखिए यहाँ क्या लिखा है हाथी के बारे में। अगर एक हाथी को दूसरे हाथी से कोई बात कहना हो तो वो एक ख़ास अंदाज से एक दूसरे को अपनी सूंड से छूते हैं या फिर ख़ास किस्म की आवाज़ निकालते हैं। हाथी में सुनने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है, 1 किलोमीटर दूर तक की आवाज़ भी आसानी से सुन सकते हैं। इनके बड़े बड़े कान के जिस्म को ठंडा रखने में मदद देते हैं। अपनी सूंड से सांस लेते, चीज़ों को पकड़ने और उठाने का काम भी लेते हैं। हाथी के मुंह में 26 दांत होते हैं, 2 बड़े दांत बाहर और 24 मुंह के अंदर। इनकी उम्र तकरीबन 70 साल होती है। शिकारी इनके लिए लंबे लंबे दांतों की वजह से इनका शिकार कर डालते हैं। दुनिया में हाथियों की तादाद तेज़ी से कम हो रही है, इसलिए अब इनके शिकार पर पाबंदी लगा दी गई है। हाथी अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से एक बहुत अहम और हैरत अंगेज़ मखलूक समझी जाती है या समझा जाता है। ठीक है बच्चों, ये था हाथी के बारे में। हाथी के 2 लंबे से दांत देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे, ये 2 लंबे से दांत हैं और बाकी दांत जो होते हैं इसके मुँह के अंदर होते हैं, और ये हाथी की लंबी सी सूंड होती है, मोटी मोटी टांगे होती हैं, और ये अल्लाह ताला की मखलूक में से एक बहुत अहम और हैरत अंगेज़ मखलूक समझी जाती है। इनकी उम्र कितनी होती है, इनकी उम्र 70 साल होती है। ठीक है बच्चों, तो आइए पेज नंबर 44 पे। पेज नंबर 44 पे मश्क स्टार्ट हो गई है आपकी सरगर्मियों के नाम से। इसका कॉपी वर्क हम किस तरह करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। आ जाइए अपनी कॉपी पे। सबसे पहले बच्चों कॉपी अपने खोलनी है और टाइटल पेज बनाना है। ठीक है, बच्चों का वो साथी। टाइटल पेज जब आप बना लेंगे तो आपको सफ़ा नंबर 41 से पेज नंबर 41 से राइटिंग करनी है खुशखती जितनी उस पर दी गई है। ठीक है बच्चों, यहीं तक दी गई है, आपको यहीं तक करनी है, पसंद करते हैं। इसके बाद जब आप राइटिंग कर लेंगे बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी सी, इसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको ये काम करना है कि पेज नंबर 45 में बुक में हाथी की तस्वीर बनी हुई है और हाथी की सिफ्त बताई गई है। सिफ्त आपको पता है ना, सिफ्त क्या होती है, सिर्फ किसी भी शख्स जगह चीज़ की खूबी या खामी को कहते हैं कि वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, मोटा है, पतला है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सिर्फ लिखना है हेडिंग, और उसके बाद लिखना है वो लफ्ज़ जो किसी शख्स या चीज़ की खूबी या खामी को जाहिर करे सिफ्त कहलाता है। फिर आपने सवाल लिखना है हाथी की तस्वीर को गौर से देखकर इसके जिस्म के आज़ा को किसी सिफ्त से वाजे कीजिए। आज़ा यानी कि जो इसके जिस्मानी हिस्से हैं ना, इसे हमें वाजे करना है। ये काम आपका पेज नंबर 45 बुक पे भी दिया गया है, वहाँ से आप फोटोकॉपी करवाएंगे। फोटोकॉपी करवाने के बाद कॉपी में पेस्ट करेंगे, चिपकाएंगे और इस तरह फिल करेंगे। जैसे कान है तो कान डैश दिया हुआ है, बड़े बड़े कान,
दुम लिखा हुआ है, दुम से पहले डैश दिया है तो आप लिखेंगे छोटी सी दुम। टांगे लिखा हुआ है यहाँ पे साइड में, उससे पहले डैश दिया है तो आप लिखेंगे मोटी मोटी टांगे। अब इधर देखिए, इधर भी डैश है और आँखें हैं तो मोटी मोटी आँखें। डैश दांत बड़े बड़े दांत, डैश नाक लंबी सी नाक, डैश पेट खूब बड़ा सा पेट। इस तरह इस तस्वीर के आज़ा के नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये फोटोकॉपी आप करवा लीजिएगा पेज नंबर 45 से, सफ़ा नंबर 45 से आपको मिल जाएगी। इसके बाद आप सामने वाले पेज पे खाली जगह करेंगे, जो सिर्फ की खाली जगह है जिसमें किसी खूबी खामी अच्छाई या बुराई है। तो यहाँ आप देखें ये फूल कितना खूबसूरत है। अब देखिए फूल के बारे में बात हो रही है ना, फूल खूबसूरत है, अच्छा है, प्यारा है, तो उसे आप डैश को खूबसूरत लिखेंगे। हीरा एक कीमती पत्थर है, मेरी पेंसिल बहुत लंबी है। नंबर चार देखें, डैश मौसम में डैश पानी अच्छा लगता है, दो डैश आ गए। गर्म मौसम में ठंडा पानी अच्छा लगता है। नंबर पाँच घोड़ा इंसान का डैश दोस्त है वफादार। नंबर छः हाथी बड़ा और चिड़िया डैश है छोटी है। नंबर सात देखिए, डैश खरगोश पौधे के पीछे छुपा होता है चालाक। नंबर आठ देखिए, उस्मान एक डैश लड़का है, ईमानदार लड़का। बेटा पेज पलटिए, अब आ जाइए सवाल जवाब की तरफ। बहुत आसान सवाल जवाब है, बहुत मुख्तसर हैं। सबसे पहला सवाल है, हाथी आमतौर पर कौन से इलाकों में पाए जाते हैं? इसका जवाब है, हाथी आमतौर पर अफ्रीका और जनूबी एशिया में पाए जाते हैं। सवाल नंबर दो है, हाथी का कद कितना ऊंचा होता है? हाथी का कद तकरीबन 13 फीट होता है, ठीक है बच्चों। सवाल नंबर तीन है, हाथी का वज़न कितने किलोग्राम के करीब होता है? इसका जवाब है, हाथी का वज़न 7000 किलोग्राम के करीब होता है। नंबर चार, कौन से जानवर हाथी के बच्चों को खा जाते हैं? जंगली जानवर जिनमें शेर चीते लगड़ भगड़ वगैरह हैं जो हाथी के बच्चों को खा जाते हैं, फुल स्टॉप। तो बच्चों ये था आपका सवाल जवाब। अच्छी तरह देख लीजिए बच्चों सवाल जवाब, बिल्कुल इसी तरह नीट एंड क्लीन आपको करना है। तो बच्चों आज का काम हमारा यहाँ तक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।